बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दाद नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। जुबान है फारसी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख फारसी जुबान से निकलती है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कों के लिए किया जाता है। मजहब है इस्लाम, यानी इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर मुसलमानों में किया जाता है। ये नाम उर्दू में तीन जबकि इंग्लिश में चार हरूफ पर मुश्तमिल है। दाद नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है इंडिया और नंबर तीन पर है बांग्लादेश। दाद के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है प्रेस। ये लफ्ज कुरान पाक में बराह रास्त मौजूद नहीं है, अलबत्ता मुनासिब मायनी होने की वजह से ये नाम मुसलमानों में आम इस्तेमाल किया जाता है और इसकी उर्दू मायनी है तारीफ और हौसला अफजाई। दाद नाम का शुमार कम इस्तेमाल होने वाले नामों में किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलमे दीन से मशवरा जरूर करें। इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।